कर वेट 195 केजीज है। Hey guys, me Kevin Raj, आपका फिर स्वागत है एक न्यू अनदर वीडियो में। सो गाइज, आज मेरे पास है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जिसका मैं आज आप लोग को पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले कुछ सिनेमेटिक शॉट्स, उसके बाद आपको पूरा इसका रिव्यू देंगे। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in powerful. So guys, आज हमारे पास है Royal Enfield Classic 350, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम रेडिश है, कंपनी ने जिसका नाम रेडिश रखा है। ये रहा इसका मीटर, सबसे पहले दिखाता हूँ। ये रहा इसका ट्रिप मीटर, और यहाँ एक चीज़ है जो ये देख सकते हैं, R लिखा हुआ है रॉयल इनफील्ड। यहाँ ब्लूटूथ का ऑप्शन रहता है, लेकिन अभी तक इसमें इंस्टॉल नहीं किया गया है। सो आपको और एक चीज़ दिखा देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर एक आई बटन है, जिससे कि मीटर का सब कुछ चेंज होता है। ये आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो गाइस, आप यहां देख सकते हैं, यहां आ गया अब टाइम 6 PM हो रहा है अभी शाम के, और यहां आ गया आप ओडो देख सकते हैं। और एक बार फ्री प्रेस किया तो ट्रिप 1, और उसके बाद ट्रिप 2, ये रहा ट्रिप F, और ये रहा फिर से टाइम आ गया है। तो आप इसमें और एक मीटर दिया हुआ है। सो गाइस, ये रहा इस बाइक का मेन मीटर जो है ओडो, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद ये रहा इको ट्रिप 1, इको ट्रिप 2, इको ट्रिप F, और ये रहा इको। जब गाड़ी ऑन होता है तो ही इको दिखाता है, और जब गाड़ी ऑफ रहता है तो सिर्फ नॉर्मल दिखाता है। जैसे मैं आपको भी ऑफ करके दिखाता हूँ, देखिए ऑफ करने से नॉर्मल टाइम आने लगा। तो गाइस, मैंने आपको मीटर के बारे में बता दिया, और आपको अब फ्रंट लुक दिखाते हैं। आप देखिए नीचे से मैं इसका लाइट ऑन करता हूँ, और ये देखिए कितना ही ऑसम सा लग रहा है। और ऑन करके दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस आप। सो गाइस, अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ जैसे, तो गाड़ी को मैं सबसे पहले ऑन करूँगा। अब ये देखिए गाड़ी अभी न्यूट्रन में है, गाड़ी न्यूट्रन में है। अब इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप अच्छे से। तो मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, न्यूट्रल में गाड़ी ऑन हो गया। अब गाड़ी को ऑफ करते एक बार, अब देखिए मैं फर्स्ट गियर दिया, यहाँ देख सकते हैं पहला गियर आ चुका है, लेकिन यहाँ दिखा नहीं रहा है बोलकर। तो गाड़ी फर्स्ट गियर में है। अब देखिए गाड़ी को स्टैंड में रखकर ऑन करते हैं, तो देखिए क्या होता है। 800 mm है, गाड़ी ऑन नहीं हो रहा, गाड़ी झटके दे रहा है। तो आप लोग ऐसा भूल मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बात, इसमें एक BS6 में सेंसर लगाया गया है यहाँ पर अंदर पर, जिसके कारण गाड़ी ऑन नहीं होता है। मतलब स्टैंड में रहकर अगर गियर में रहेगा तो गाड़ी ऑन कभी भी नहीं होगा। सो आप लोग जब भी गाड़ी को ऑन कीजिए तो स्टैंड उठा के ऑन कीजिए, और हमेशा ट्राई कीजिए कि न्यूट्रल में गाड़ी ऑन करने का, नहीं तो अगर आप गियर में ऑन कीजिएगा तो गाड़ी झटके मारेगा और आपका गिरने का चांसेस भी रहता है गाड़ी से। तो गाइस, आपको और एक चीज़ दिखा दे, जिसके हैंडल्स में जो बटन्स होते हैं उसका क्या क्या काम है, किस किस बटन का। सो गाइस, ये BS6 मॉडल में आप यहाँ देख सकते हैं, ये मतलब पूरा गाड़ी इंजन इसका ऑफ है पूरा, ये इंजन ऑन हो गया। और ये जो रहा क्लच पकड़ के, इसे जब भी प्रेस कीजिएगा ये गाड़ी ऑन हो गया। और अब इसे ऑफ कर देते हैं और आपको चीज़ दिखाते हैं एक। सो गाइस, BS6 में एक न्यू अपडेट दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये हैजर्ड लाइट का है। तो जैसे इसे मैं ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर्स के चारों लाइट जल जाते हैं। तो आप देखिए फ्रंट के दो जल रहे हैं, और पीछे आइए तो बैक का भी आपको दिखा रहे हैं, बैक का भी दोनों जल रहा होगा। सो गाइस, ये देखिए बैक के भी लाइट जल रहे हैं दोनों ही।
सो आइए आपको और दिखाते हैं मीटर में क्या क्या है, मीटर मतलब ये सब में क्या क्या है स्विच बटन्स में। सो गाइस ये रहा इसका पास बटन, और ये रहा इसका नॉर्मल बीम, और इसका ये हाई बीम का है जो आप देख सकते हैं अच्छे से तीनों का। आपको मैं फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। सो गाइस ये हाई बीम है, ये नॉर्मल है, और ये पास का है जैसा देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये रहा इसका इंडिकेटर का, और ये रहा इसका हॉर्न का जो आपको मैंने दिखा दिया। और एक चीज आपको जैसा मैंने बताया, इसका आप यहाँ एक आई बटन देख सकते हैं, ये रहा इसका आई बटन जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके अंदर जो जो सेटिंग्स है चेंज किया जा सकता है मीटर को। गाइस आप जैसा देख सकते हैं BS6 मॉडल में इसका क्लच आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इससे एडजस्ट कर सकते हैं इसको आगे पीछे घुमा कर। सो गाइस चलिए आपको रॉयल इनफील्ड क्लासिक का और डिटेल्स देते हैं। जैसे कि आप इसका इंजन देख सकते हैं, इसका इंजन है 349 cc का, इसका फ्यूल कैपेसिटी है आपका 13 लीटर, और गाइस इसका माइलेज 35 किलोमीटर्स पर लीटर है। इसका कर वेट 195 kgs है, और इसका सीट हाइट इस बाइक में 19.8 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है ये। इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, एंड पीछे में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। इस बाइक में 19.8 bhp का पावर है, इसमें 5250 का RPM है, और 28 Nm टॉर्क, और 4000 RPM है। सो गाइस मैंने रॉयल इनफील्ड क्लासिक का आपको पूरा रिव्यू दिया, अब लास्ट में इसका आपको एग्जॉस्ट का नोट सुनाते हैं जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। सो देखिए गाइस आप लोगों ने जैसा देखा, मैंने आपको आज इस बाइक का फुल रिव्यू दे दिया। आप लोग को अगर ये और न्यू वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइस आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, और ऐसे रिलेटेड मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।